दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं वार्ड नंबर 5 के पार्षद सुषमा के तिवारी। स्वागत है आपका। सबसे पहले आप लोगों को बधाई दे दूं जीत की। मैं यह जानना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 5 आपने भारतीय जनता पार्टी से छीना, आखिर ऐसा क्या था इस चुनाव में? मैं वार्ड में 15 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैं 3 चुनाव लड़ा और हारा, लेकिन जनता के दिल में मैंने अपनी इस तरह जगह बना ली थी कि जनता खुद आगे आके मुझको वोट की, सपोर्ट की है, और ये चाहा कि वार्ड का विकास और वार्ड के लोगों का ख्याल है अमुक व्यक्ति ही रख सकता है। जनता ने ही मुझे जिताया है। ये जीत का श्रेय पूरी मेरे वार्ड की जनता को ही जाता है। एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगा आपसे जी, आपके वार्ड में बहुत सारे दिग्गज भाजपा नेता रहते हैं। हाँ, रहते हैं। कौन कौन? मैं नाम तो न लूंगा, लेकिन क्या भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी आपके? हाँ, रहते हैं। पंडित कमलाकर चतुर्वेदी, पंडित सुधाकर चतुर्वेदी रहते हैं, शिवा चतुर्वेदी रहते हैं, रामदास मिश्रा जी रहते हैं, आशु जी इसके पहले आपके? हाँ हाँ थे, भास्कर चतुर्वेदी के। हाँ, रहते हैं। इतने सारे दिग्गजों के बाद ये वार्ड आपने जीत लिया कैसे? ये सब जनता की, जनता का आशीर्वाद है। जनता ने मुझे स्नेह दिया। मेरे पिताजी का भी नाम बूढ़ी महाराज था, जो वार्ड की जनता की सेवा करते करते खत्म हुए, और उनके नाम का भी मुझको फायदा मिला और वार्ड की जनता ने मुझको भरपूर सहयोग किया। क्या करना चाहेंगे आप आगे? मैं, मुझे जनता ने तो मुझको जिता दिया, और मेरा दायित्व तो है कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार निर्वाह करता हूँ, और जनता ने अगर जिताया है तो उनका दिल तोड़ने का प्रयास मैं नहीं करूंगा, उनका दिल जीतूंगा ही। आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं प्रमुख? मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड है बहुत पुरानी बस्ती जी, है मतलब शहर की शुरुआत मान लिया जाए, है ना। मुख्तार सिंह थे, उनके द्वारा मुख्तियारगंज पड़ा बसा, और आज भी वो वार्ड जो अंदर की बस्तियां, ऐसा लगता है कि ये देहात है। हम शहर के बीच में है लेकिन देहात से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा जो सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस चौराहे इंदिरा गांधी 1.5 मीटर की ऊंचाई में है, और मुख्तियारगंज मेरा 1.5 मीटर की गहराई पे है, नीचे है। तो पानी, बरसात में पानी भरता होगा? भरता है। सड़कें नहीं है? नहीं है, सड़कें हैं लेकिन वो सब जर्जर हालत में है अंदर की। और जो नालियां वगैरह, नालियां निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, चूंकि सीधे जो नालियां हैं तो नालियों को टी बनाता है, वाई नहीं बनाता, जिससे पानी के साथ वो बह सके है, जब तक वो सामने की नाली नहीं निकल जाती। मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि हमारे नगर निगम के तकनीकी अमले, इंजीनियरों की सोच ऐसी है कि वार्ड का पानी वार्ड में रहे, हम बाहर नहीं भेजना चाहते, वो ऐसी नालियां बनाते हैं। नहीं तो जनता कहाँ जाए? अगर ऐसी नालियां बना देंगे तो पानी तो बाहर निकलेगा ही नहीं। नहीं तो इसी, वही तो ये चाहते हैं कि वार्ड की नालियां वार्ड में ही पानी रहे। नहीं तो ये तो वार्ड से पानियां निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, पुरानी बस्ती है, लोगों के जो प्लेंथ लेवल है वो भी नीचे हैं, टैंक भी नीचे हैं, है तो उनको वाटर लेवल निकालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरे पीने के पानी की? पीने का पानी तो आ रहा है, पीने का पानी पर्याप्त आ रहा है। सड़कें नहीं है, नाली नहीं है। आपके पहले वहाँ कितनी बार भाजपा के पार्षद थे? मेरे पहले 4 बार भाजपा के पार्षद थे। तो उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया? किया, जो उनकी सोच थी वो किया है, और मैं कुछ अलग सोच से आया हूँ कि पहली बस्तियों को सुधारूं। मेन रोड तो ऑलरेडी है, हर आदमी निकलता है मेन रोड से। हमारी बस्तियों में बहुत दिक्कत है, पानी गिर जाता है तो लोग बाग को कीचड़ों से जाना पड़ता है। सड़कें मतलब बहुत अच्छी नहीं है? नहीं, अंदर। वेंकटेश मंदिर को लेकर आप क्या सोचते हैं? वेंकटेश मंदिर को लेकर बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट उसमें लगा रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पे लगा रही, लेकिन धरती पे दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा मतलब आपका कहना है कि फाइलों में है? हाँ, मुझको दिख नहीं रहा। उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? उसके लिए अब ये शपथ वगैरह हो जाए, पूरी जानकारी लेंगे है कि क्या क्या कैसा है, कितना खर्च हो चुका है, क्या हुआ है, उसमें आगे हम चर्चा करेंगे और वार्ड के विकास के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। स्पीकर किसे बनाना चाहते हैं? स्पीकर ये तो पार्टी का काम है।
मान लीजिए कांग्रेस से कोई जो कांग्रेस पार्टी जिसको भी बनाएगी हम सब उनके साथ हैं। भाजपा का स्पीकर बनेगा कि कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि संख्या दोनों की लगभग बराबर है, 19-20 है। हमारा प्रयास है कि कांग्रेस का बने, कांग्रेस का स्पीकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ वार्ड की जनता को आप भी दो शब्द बोल दीजिए। वार्ड की जनता को बधाई, वार्ड की जनता को बधाई हो, सबके सहयोग से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वार्ड की जनता के ही आशीर्वाद से जीती हूँ। जो काम भी पार्षद के अंदर में आते होंगे वह उनका भरपूर करने की कोशिश करूंगी।